गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बारिश में गाड़ी कैसे चलाते हैं और ये जो हमारे शीशे के आगे ये पानी जमा होता है उसे कैसे हटाते हैं, मैं आपको ये आज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट मैंने कर ली। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या करना होता है, ये जो वाइपर होता है वाइपर को कैसे ऑन करना है, वाइपर को कैसे चालू करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा भी होता है, वाइपर का साइन बना होता है, ये देखो वाइपर का साइन बना हुआ है। वाइपर को चालू करने के लिए थोड़ा सा इसको डाउन करना होता है नीचे। ये डाउन कर दिया, ये मेरा वाइपर सामने चल गया। वाइपर के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये वाले वाइपर को चालू करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये एक बार रुक रुक के चलता है, थोड़ा से इसे डाउन किया, एक बार चला, वेट की इसने थोड़ी देर, फिर चला। ठीक है, और इससे थोड़ा सा मीडियम स्पीड के ऊपर चलाना हो थोड़ा सा इसको और डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउन कर दिया, अब ये लगातार चलेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही है, तो आप फास्ट स्पीड पे चलाएंगे इसको। फास्ट स्पीड पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। ये देखो ज़्यादा डाउन कर दिया मैंने, ये लगातार चल रहा है। ठीक है, ये तो चल गया वाइपर। अब ये आगे फोग जो जमी हुई है शीशे के ऊपर, आप देख रहे होगे फोग जमी हुई है, फोग को कैसे हटाना है। अगर तो गर्मियों का मौसम है दोस्तों, फिर आप तो एसी ऑन करके फोग को हटा सकते हैं। ये एसी है हमारा, एसी को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, एसी लिखा हुआ है यहाँ पे, एसी ऑन कर दिया। एसी ऑन करने के बाद फैन ऑन करना है, ये वाला, ये देखो लाइट जल गई इसकी। ठीक है, फैन ऑन किया तभी लाइट इसकी जली है। इसको मीडियम पे कर दिया मैंने। ठीक है, मीडियम पे कर दिया। और जो हमारे फैन है ना, फैन की डायरेक्शन भी चेंज करनी है। फैन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें विंडशील्ड वाला चलाना होता है, जो शीशे वाला होता है ना, आगे वाला। शीशे के आगे यहाँ पे ये देखिए होल है, ये देखो ये होल है, यहाँ पे भी फैन है इनके। इस फैन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे लेके आना होता है, इसको घुमाना होता है। ये नोव होती है ना, नोव, ये वाली नोव, इसको विंडशील्ड के ऊपर लेके आना होता है। ये देखो अभी मैं विंडशील्ड के ऊपर ले आया। ठीक है, अभी मेरी फोग देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, शीशा हो गया ना। ये होती है विंडशील्ड वाला नोव। ठीक है, ये वाला जो स्विच है यहाँ पे लेके आना होता है, विंडशील्ड वाला। ठीक है, इसे विंडशील्ड वाला पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आया इसको नोव को, तो एसी ऑन कर दिया मेरा, मीडियम स्पीड पे एसी है। शीशा देखो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।